कुकड़ू के साथ मैं आ गई हूँ आपके पास। तो कैसे हो भाई लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज्यादा वाले अच्छे होंगे। तो गाइज मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, मैं नहा भी चुकी हूँ, हस्बैंड रेडी हो चुके हैं और ये देखिए यहाँ पे आज हम खाने जा रहे हैं बिरयानी जो कि मेरी सिस्टर लेकर के आई है बाहर से। देखो ये पूरा वो बनी है जुड़ा बाबा। लड़ाई के बाद दोबारा प्यार उमगता होगा। आज बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है जिसमें मैं अपने पति से बात नहीं करूंगी। ये मेरा बेटा है, टूटा हुआ रिमोट चला रहा है। तो गाइस आज हम लोग घर से खाना खा के जा रहे हैं क्योंकि घर के पास वाले मार्केट में जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे वो तो आपको वहीं जाकर बताएंगे, इसलिए घर से खा के जाएंगे। सिस्टर बाहर से ले आई और मम्मी और अप्पी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो गाइस पहले खा लेती हूँ फिर बात कर लेती हूँ। कहाँ जाएंगे वो आपको बाद में पता चलेगा। सब इधर देख लो, सब मेरी तरफ। एक सेल्फी भी ले लेंगे जो डीपी में काम आ जाएगा। इधर देखो मम्मी, आप ही देख। हाँ तो ये मेरे ना फोटो फ्रंट में आ जाएगा है ना, व्लॉग के साथ हो जाएगा चीजें। तो चलते हैं अभी मार्केट, ठीक है गाइस। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट पे और ये मेरे हस्बैंड जी कहाँ है पीछे, ये रहे। हम लोगों ने अपनी जो बाइक है वो पार्किंग कर दी है और मैं एकदम कूल ड्रेस पहन के आई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। बट यहाँ इस तरफ से ना थोड़ी उतनी धूप नहीं, बट हाँ एक लाइट धूप होती है ना वो है। और आपको पता नहीं इस टाइम पे मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है हद से ज़्यादा। तो अभी मार्केट में पहुँच के बताती हूँ कि मैं कौन सी मार्केट गई हूँ, है ना, मतलब मार्केट के अंदर एंटर करती हूँ। अभी तो हम बाहर ही है, आ जाओ। तो गाइस बताओ मैं कहाँ हूँ। मैं आ चुकी हूँ सरोजी मार्केट। ये देखिए आपको उल्टा सीधा दिखेगा, आप सीधा मैं फ्रंट से अभी शूट कर रही हूँ तो थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस अब मैं बता देती हूँ, हम सरोजी मार्केट में एंटर बहुत अच्छे से कर लिए और यहाँ पे देखिए कितना क्राउड है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। ये देखिए हस्बैंड भी यहीं पे है। बाबू कैसा लग रहा है यहाँ के? हमारा माइंड ऑफ रहता मेरे हस्बैंड का भी क्योंकि वो जिस काम से आए हैं, हाँ मैं लगा रहा था, वो जिस काम से आए वो लगे रहते हैं उस काम में। किसका अब क्या हुआ? मार्केट घूमते घूमते थक गए, अभी तक हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया। अब हम थोड़ा सा बैठ के पानी पियेंगे क्योंकि गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है। और यहाँ पे देखो 350 में सेल लगी हुई है। ये बॉयस है गर्ल्स है पैंट है मुझे नहीं पता। तो हम पहले पानी पियेंगे उसके बाद हम जाएंगे घूमी घूमी करेंगे। खोल के दो बाबू। अब गर्मी बहुत आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब हाई लेवल वाला गर्मी है यार। अभी कहाँ गर्मी पड़ रही है मैडम, यहाँ तो वो गर्मी पड़ती है कि भैया कह रहे हैं देखो यहाँ पे गर्मी जो है ना खड़ा होना भारी पड़ जाता है। ये सच बात है, इन लोगों का था तो और बुरा होता, एकदम ऐसे ऐसे रहते होंगे एकदम खड़े खड़े। बताओ भैया बता रहे हैं, बताओ। मैं तो ये सोचती हूँ सही बात है, जो ये लोग बेचारे इतनी मेहनत करते हैं उनके साथ कितना होता है गर्मी में, हम लोगों को उतनी बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर जो भी होगा आपको बताते रहेंगे। देखिए वहाँ पे शर्ट का वो लगा हुआ है। गाइस आज हमारा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और हम लोग अब मार्केट से जा रहे हैं और मेरा बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने का मन है। यहाँ पे थोड़े से कॉस्टली है तो सोचा जहाँ पे अपन का एरिया है ना, कहते हैं ना अपन की अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो अपन के एरिया में जाके ठूसर हंसी करेंगे, क्या बोलते हो गाइस, है ना। तो अभी ये बाइक निकाल लेते हैं फिर अपने एरिया में पहुँचते हैं, वहाँ गोलगप्पा खाते हुए आपको दिखाते हैं, ठीक है। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे। मेरे गोलगप्पे की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि सोचो हम सरोजी मार्केट को छोड़ के फिर सबसे पहले भैया के पास आए। आप भी खा लीजिए। खाओ खाओ खाओ।
खाओगे कैसी बीवी है, पति बनी खा रही हूँ खाओ पति। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और आने के बाद हम फिर से बाहर जा रहे हैं अपने बेटे को लेकर के घुमा के। बाहर जाना है आपको? चलो घूमे घूमे उतरो, घूमे घूमे जाना है क्योंकि अभी मुझे खुशी है खुशी। हम जा रहे हैं बैंक वाले के पास, तो लोन मिल रहा है तो सोचे कि हम भी ले लेते हैं लोन, और कैसे कैसा प्रोसीजर है वो तो घर पे आके बताऊंगी, पर अभी पहले चले जाते हैं, हो गया तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। तो गाइस हम आए थे अपनी बाजी के घर पे, तो यहाँ पे जो है पासबुक हमारे, सिर्फ अगर हम लोन जो लेने की सोच रहे थे ना उसमें सिर्फ और सिर्फ पासबुक की कमी आ रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा पासबुक नहीं है, पर ये कह रहे पासबुक है, तो आज रात को हम लोग चेक करेंगे घर के अंदर कि मेरा पासबुक है कि नहीं है SBI का। अगर पासबुक मिल जाएगा तो बस और कुछ नहीं करना, फिर लोन के लिए अप्लाई कर देना है। तो आज तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कल के लिए भागा दौड़ी करेंगे, तो ये भी कल तक के लिए शायद टल जाए ब्लॉग, क्योंकि पूरा प्रोसीजर होने के बाद ही दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए अरफान यहाँ पे गुंडागिरी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब बच्चे मिल जाते हैं ना एक दूसरे से तो बहुत खेला खाली करते हैं। ये देखिए इसको बहुत ही ज़्यादा मारता है, ये ऐसे मार पीट करके खेलते खुलते बच्चे बड़े होते हैं। गाइस मेरी बाजी ने बनाया है यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, जो घर का है, देसी कहते हैं देसी घर का खाना, जो कि बाहर का नहीं है, और ये चटनी भी खुद से बनाई है, तो मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ। जहर जहर मत खाओ यार, जहर जहर है भाई साहब, जहर है। अच्छे बने? बहुत अच्छे वाली हूँ भाभी, एक ट्राई करो कसम से, सारी दुनिया बाहर का सेल कर दी, हो गया भाजी सेल करो, मैं भी बेचूंगी साथ में। सेल करो इसको बना के, बहुत अच्छे बिकेंगे, 10-10-20 रुपए। हाँ बहुत टेस्टी गाइस, कितने खतरनाक ही है। नहीं 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 उसका आप टेंशन मत, मेरे तरफ बैक कैमरा है, ठीक है। मैं कभी बैठते चालू करेंगे, हमने सब मिल के खाएंगे, कॉपीराइट डलवाएंगे मुझे। तो गाइस हम लोगों ने ना अमेजोन से अरफान के लिए वेट पाइप्स मंगाए थे 10, पर डब्बा तो बहुत ही छोटा है। अब इसमें 10 पीस वेट पाइप्स है या नहीं वो तो अभी अरफान के पापा बताएंगे। इसको ओपनिंग करके पापा ओपन करो दो, रुक जा फिर इसके नंबर से नहीं कोई नहीं हो जाएगा, अभी एक मिनट रुको, क्योंकि डाउट हो रहा है हमें, क्योंकि 510 के 560 560 रुपए लिए हैं, आगे बार 50 रुपए नहीं लगे तो 510 रुपए गए। अच्छा 510 मुझे था, 560 था, अब जो भी है खैर 510 या 500 कुछ है, तो इस तरीके का आया हुआ है। अब डाउट हो रहा है हम लोगों को कि ये 3 है शायद इसके अंदर, क्योंकि एक बार हम लोगों ने और मंगाया था तो इसी तरीके से झोल हो गया था, फिर हम लोगों ने कंप्लेंट की तो वापस हो गया था, क्योंकि इसके ना वेट्स पाइप बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हम इसको सेकंड टाइम ऑर्डर कर दिए, तो ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह हो गई है ऐसा लग रहा है। 10 है ना उसमें थोड़ा प्राइस भी अच्छा है और क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। इसका कितना है ये मुझे देखो, इसमें देखो पहले, सबसे पहले इसका यहाँ पे देखो वेट वाइप पैक 3, आपका हाथ आ रहा है पैक 3 ये लिख रहा, और 10 पीस मंगाया है, 10 पीस मंगाया है, अब देखते ये देखो 1-2-3 ही आएगा, ये 3 क्यों, ये यार ये तो यही तो चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आती, हमेशा झोल हो जाता है ना कुछ, तो फिर से 3 का आया है गाइस, अब बताओ क्या करें हम लोग, ये ना बड़े परेशान हैं, तो अभी कंप्लेंट करने जा रहे हैं। अब ऐसा है ना कि बच्चों के लिए जो सूटेबल होता है ना हम वही चीज़ फिर मंगवाते हैं, अब वही चीज़ पे क्या होता है ना सामने वाला बंदा जो है, पर ये है कि पहली बार जब करा था तो उनने वापस कर दिया था अमेजोन वालों ने, रिटर्न पैसा कर दिया था हमारा, अब इस बार देखते क्या होता है, तो अभी देखते हैं। हाथ ऊपर करो, हाथ 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 ऊपर करो, जल्दी से हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, जल्दी से हाथ ऊपर, पीछे नहीं ऊपर, ऊपर कर दे नहीं, हाथ 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 उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, गोली मार दूंगी नहीं तो, हाथ उठाओ ऊपर 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 करो, जल्दी से ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी दोनों हाथ ऊपर करो ऐसे, चलो बच्चा तो बाबू कंप्लेंट करो यार। हाँ नहीं सुबह के 10 बजे के रात के 10 बजे के बीच में किसी भी फोन करो जी, मैं सुजैन बोल रही हूँ, मैंने वो क्या कहते हैं ऑर्डर किया था ये अपना वेट टिश्यू का, कौन सा टैडी कंपनी का, तो उसमें कितने आने थे उनमें 10 पीस आने वाले, ये 3 पीस आया ऑर्डर किए थे और
सिर्फ थ्री पीस आया है। आपकी चाहेंगे जो प्रॉब्लम आई है जैसे कि ये है टैडी बेबी वेट। हाँ जी जी, बट लीड टेक ऑफ 10 में है बट टेक ऑफ 3 में मिला है। जी आपकी चाहेंगे मैम जो प्रॉब्लम है चेक कर लेते हैं सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि फोटो भी हमने और आ लिया है यहाँ पे जिससे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 3 ही इमेज मिल पाई। क्या मैम भी और को 2 मिनट के लिए मोड पे रख सकता हूँ? हाँ ठीक है ठीक, बैंक में कर दीजिए ना। बैंक अकाउंट ऐड नहीं है यहाँ पे, मैं कर देता हूँ, कर देती हूँ अभी, मैं कर देती हूँ फिर बताइए बताइए कैसे करना है। तो गाइस आप लोगों ने देखा हम लोगों ने फिर जो है अटैचमेंट कर दिया अपना बैंक अकाउंट और जो भी है फिर पैसा 2-4 दिन में रिफंड हो जाएगा। और जो वेट टिश्यू आए थे 3 रिसीव हुए थे 10 के बदले, तो वो भी हम लोगों को बोल दिया है कि आप लोग यूज़ कर लो क्योंकि ये आपका रिटर्न वाला कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो वो वेट टिश्यू हम 3 ले चुके हैं और साथ में पैसा भी रिफंड करा। तो अमेज़ॉन वालों आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा हेल्प भी कर देते हो और बंदों के पैसों का भी आप लोग रिटर्न कर देते हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। तो गाइज आज का ये मेरे देखो कितनी सस्ती आ रही है, थक जाते हैं ना हम लोग बहुत ज़्यादा, तो हम चलना फिरना होता है ना गाइज, और फिर आने के बाद बच्चे के साथ भी खेलना कूदना। और मेरा अरफान जो है वो 2-2.5 बजे रात को सोता है, अब जब वो सोएगा तो ही सो पाऊँगी, पर मेरी को एकदम ही थकावट हो रही है। तो बस आज अपने ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और फैमिली फ्रेंड के साथ अपनी वीडियो मेरी जो वीडियो है शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसी कुछ नया लेकर के आएंगे आप लोगों को।